विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, कैसे देखते हैं पहले बताएं। देखिए ऐसा है कि मौत तो ईश्वर के हाथ में होती है, जब सुनिश्चित रहेगा, न उसको एक मिनट आगे कर सकता है न पीछे कर सकता। मौत तो होना है, कोई अजर अमर होके नहीं आया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, चाहे जो भी हो मौत हो गई है, और मौत के बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ मौत तो होना है भाई, कोई अजर अमर नहीं है, मौत हो गई। जब समय जनपद की बात करें तो छोटे लाल गादी हमेशा मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कराने का काम किए हैं और कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, क्या रहा है मुख्तार अंसारी का 5 साल का जो विधायकी का कार्यकाल? देखिए 5 साल का नहीं, 1996 में हुआ जो है पहली बार विधायक हुआ। अब विधायक होने के बाद वो, क्योंकि वो अपराधी था, माफिया था, और उसके भय से जो है लोग डरते थे। कोतवाल एक अतना आदमी जाता था उसका, तो खड़ा होकर कुर्सी पर नमस्ते करता था, तो वो उसके आतंक से या उसके भय से जो है लोग डरते थे। और सारे विभाग, चाहे मछली का ठेका हो, चाहे लोक निर्माण विभाग का ठेका हो, चाहे नगर पालिका को देखते हैं, तो यह पालिकी को 2 बार कब्जा करा दिया, सारे विभागों पर उसने कब्जा किया, और कब्जा करा के अपने लूटा और अपने लोगों को लुटवाया, जनता के विकास का कोई नाम काम नहीं किया। केवल चुनाव के समय कुछ लोगों को 200, 500, 1000, 2000 रुपया देकर और कतार में खड़ा करके वह किसी भी तरीके से चुनाव जीतता है, क्योंकि मऊ बुनकरों की आबादी, गरीबों की बस्ती है। 500 रुपया अगर देता है तो बड़े खुश होते हैं, 500 रुपया में मुख्तार अंसारी को वोट दे देते हैं, अब्बास अंसारी को वोट देते हैं। लेकिन 2007 में यही मुंशीपुरा है, बगल में मखनवा पोखरी से रेलवे बाउंड्री से लेकर और यहाँ तक कलेक्ट्री तक एक नाला बनाना था, 1,60,00,000 रुपया का, और 1,60,00,000 रुपया का बिना नाला बनाए भुगतान कर लिया। जब इसकी जानकारी 2007 में हुई तो उस समय 2008 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो जब हमको जानकारी हुई हम तुरंत जिला अधिकारी को और मुख्यमंत्री को लिखे कि यह मुख्तार अंसारी के गुर्गे जो है 1,60,00,000 रुपया का नाला बिना निर्माण कराए जो है भुगतान करा लिया गया। यही मैं धरना पे बैठा तो अधूरा नाला का निर्माण किया गया, बनाया गया। उसके बाद यह लड़ाइयाँ चलती रही, तैयब पालकी आया, वो मुख्तार का गुर्गा था। मैंने अप्लीकेशन 2008 में दिया था कि मऊ के राजनीति पर कौमी एकता दल के और दुर्दांत अपराधियों का कब्जा हो गया है, और यह कब्जा करके सार्वजनिक संपत्तियों का और सार्वजनिक उत्सव पर सरकारी धन को लूट रहे हैं, ये हमारे पास शिकायती पत्र था। उसके बाद 2016 में मुख्तार अंसारी जो मौजा जहांगीराबाद में अंसारी यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीब काश्तकारों की जमीन कब्जा करके अंसारी यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर 50,000 लोगों के साथ उसका शिलान्यास किया, और उसी के साथ ठाकुर जी की जमीन जो हमारी धार्मिक भूमि है वह भी कब्जा करने लगा। और जब हमको जानकारी हुई कि हमारी धार्मिक भूमि को मुख्तार अंसारी के जो उस समय बता दें आपको कि कम से कम 40-50 असलाहधारी, राइफलधारी, पिस्टलधारी वहाँ पे खड़े रहते थे और निर्माण कराते थे, और जब हमको जानकारी हुई तो 2016 में हम कलेक्ट्री पर 7 दिन धरना दिए। बाबा कुमार श्रीवास्तव से जब आप ही के तरीके से मीडिया के बंधु पहुँचे कि छोटे लाल गांधी 7 दिन से एक धार्मिक भूमि की सुरक्षा के लिए धरना पे बैठा, आप क्या कर रहे हैं डीएम साहब, तो डीएम साहब ने, वैभव श्रीवास्तव ने अमरनाथ राय सिटी मजिस्ट्रेट को बुलवाया, कहा कि तत्काल काम रोक दो। काम तो रुक दिया, लेकिन मुख्तार के भय से कार्रवाई नहीं की गई। 2020 में वह जो उस जमीन को जो बेचने लगा गणेशदत्त मिश्रा, तो जब हमने इसकी शिकायत ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जिलाधिकारी से की तो गणेशदत्त मिश्रा से 60 लोगों पर FIR किया गया, और 40 मंडा जमीन जो जबरदस्ती सलाह के मत में कब्जा करके यूनिवर्सिटी बना रहा था उसको सीज कर दिया गया, और उसमें जो मुख्तार अंसारी का जो लड़का है अब्बास अंसारी का मकान बना था। अगर साधारण व्यक्ति का, अगर किसी का मकान देखेंगे तो घन से और ड्रिल मशीन से टूट जाता है, लेकिन वह ये लूट के पैसा से इतना मजबूत बनाया था मकान कि 2 दिन पेपलेन मशीन लगाकर उस मकान को, दुतल्ले मकान को तोड़ने में 2 दिन लगा पेपलेन मशीन से। आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई हुई? देखिए रैनी में 25 बीघा जमीन कब्जा किया था, भंडारण गृह बनाकर 1,80,00,000 रुपया प्रति महीना लेता था सरकार से भाड़ा,
और उसकी प्रोपराइटर थी आफ्ता अंसारी, उसके दो साले थे, एक रविंदर सिंह नाम का था, एक आसिफ राजा। हमने जब शिकायत किया तो उसका जांच किया गया, जांच में पाया गया कि किसी की जमीन खरीदा नहीं है, उस जमीन को सीज कर दिया गया आफ्ता अंसारी और उसके दो साले, और पांच लोगों पर एफआईआर हुआ, और पांच लोगों पर एफआईआर हुआ। और आज तक वर्तमान समय तक आफ्ता अंसारी भगोड़ी घोषित है, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं हुआ। हाँ, पत्नी आफ्ता अंसारी, विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी भागी है, कहाँ भागी है मालूम नहीं, उसके पे इनाम घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। वहाँ 25 बीघा जमीन, यहाँ 40 मंडा जमीन और ठाकुर जी की जमीन, कम से कम इसकी कीमत लगभग 1 अरब है। और इसके बाद 60 करोड़ की जमीन भुजौटी कॉलोनी के पीछे जाएंगे तो वो भी ठाकुर जी के नाम से दी। गणेश दत्त मिश्रा जो उसका खास आदमी था, जो जमीन को बेचता था, मुख्तार अंसारी को सहयोग करता था, वो कब्जा करके गेट लगा कर उसको प्लाटिंग करके बेचने लगा, तो उसकी शिकायत की तो वो भी 60 करोड़ की जमीन, लगभग 200 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी का जो है मेरे आवेदन पत्र पे उसको जब्त किया गया, और उसके लड़के पर गंगेस्टर लगा कार्रवाई की गई, उसके पत्नी पर FIR किया गया। अच्छा, कुछ लोगों को मसीहा भी मानते हैं, कैसे? देखिए ऐसा है, देखिए एक चीज बता दें कि धर्म में हमारे लिखा गया है कि ईमानदारी की कमाई अगर आप उसमें से दान करते हैं तो वह आपको लगेगा, लेकिन ये तो लूट के पैसा को बांटा, अपने लूटा और उस लूट के पैसे को दूसरे को खिलाया, उसको भी पापी बनाया। बताइए, मुख्तार अंसारी के पास कोई फैक्ट्री है? उसके बाप दादा ने कोई फैक्ट्री बैठा के मुख्तार अंसारी को दिया कि उसी कमाई में से उनको देता है? वो फैक्ट्री में से नहीं, इधर उधर के लोगों को हरका के दहशत पैदा करके, डॉक्टरों से बताइए, नलनी सिंह डॉक्टर थी, उसके आतंक से जो मऊ छोड़ के बनारस चली गई, और जब फिर अब आई है, जब शांति हुआ, तमाम डॉक्टर तमाम लोग पैसे वाले से पैसा लेता है, और जबरदस्ती उनके सीने पे चढ़ के पैसा लेता है, और वह जो गरीबों को 500, 200, 1000 ऐसे देकर जो है उनके जो है उनका जन भ्रम पैदा करके अपने को गरीबों का मसीहा बनाता है। तो क्या लगता है कि अब मुख्तार के निधन के बाद जो है मऊ, देखिए हाँ देखिए ऐसा है कि कल्पनाथ राय जी के बाद विकास बाधित था, लेकिन क्योंकि हमारे AK शर्मा जी है, हमारे खाजा खुद के AK नगर विकास मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, काफ़ी प्रयासरत हैं कि मऊ में जो 25 साल 30 साल से ये दोनों अपराधियों के कारण विकास से वंचित था, उस विकास की कड़ी को धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, और ये विकास का कार्य चल रहा है। हाँ।